बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शवारमा। शवारमा यानी कि शवारमा की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी सारे शवारमे हमने रेडी करने हैं, इसलिए हमने चिकन ज़्यादा लिया। 3 पाव के करीब हमने चिकन ले लिया है। सोया सॉस, चिली सॉस और स्पाइसेस लिए हैं। स्पाइसेस में चिकन को फ्राई करेंगे। स्पाइसेस आपको बताएंगे कौन कौन से हमने स्पाइसेस लिए हैं। चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक हम यानी कि ये वाइट ना हो जाए, तब तक इसको हम कुक करेंगे। स्पाइसेस में हमने नमक, कुटी लाल मिर्च, गार्लिक पाउडर और तिक्का मसाला लिया है, लाल मिर्च भी। ये देखिए जी, चिकन हमारा वाइट हो गया। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, साथ ही सोया सॉस, चिली सॉस भी ऐड कर लेंगे। ये देखें जी, चिकन जो अपने पानी के अंदर यानी कि जिसका पानी निकलेगा उसी के अंदर ये हो जाएगा, नरम हो जाएगा। बाद में हमने लाल मिर्च और तिक्का मसाला और ऐड किया है। तब तक चिकन जब तक हो जाता है, हम बंद गोभी के बड़े बड़े यानी कि बड़े बड़े पीसेस में इसको कटिंग करते हैं, लंबाई में, ठीक है। अब हम चिकन के अंदर पानी खुश्क हो गया, अब चिकन के अंदर हमने चिली सॉस और टमाटो केचप और मायनीस, ये तीनों चीज़ें ऐड करेंगे, वन वन टी स्पून में। अब हमने यानी कि शवारमो की सॉस रेडी करनी है, ठीक है। टमाटो केचप, गार्लिक केचप और मायनीस, ये तीनों चीज़ें 3 स्पूंस आप ऐड कर लें, और गार्लिक पाउडर भी हम ऐड करेंगे, वो भी टीस्पून का चौथा हिस्सा, सिर्फ थोड़ा टेस्ट के लिए। बहुत ही मज़ेदार सी सॉस रेडी हुई है इसकी। अब हमने ले लिया है, हमने लिए थे शवारमा ब्रेड यानी कि डॉन ब्रेड, शवारमा ब्रेड ली थी। अब हमने करना क्या है, इसको वन बाय वन फ्राई करना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा ऑयल करके इसको हमने जो है ना आस्ता आस्ता से फ्राई करते जाना है। फ्राई नहीं करना बल्कि इसको गर्म करना है। अब हमने बटर पेपर लिया, हमने नीचे पहले बटर पेपर रखना है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो सॉस रेडी की है वो इसके ऊपर लगाएंगे। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट रहा है, बहुत यम्मी ये सॉस रेडी हुई है। अब चिकन ऐड करेंगे इसके अंदर। आप ज़्यादा या कम चिकन को कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर हमने जो है ऐड करनी है बंद गोभी, ऐसे जो है ना लंबाई में हमने बंद गोभी डाल लेनी है। और ये देखें जी, और ऊपर जो सॉस बनाई है वो डालेंगे और इसको रैप कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार से शवारमे बने हैं ये, और बहुत ही मज़ा आया था ये खाने में। आपने इस तरह करके इसको बटर पेपर में रैप कर लेना। हमारे शवारमे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।